तो कहानी के शुरू होते ही हमें स्पेस में घूमते हुए एक मेट्रॉइड को दिखाया जाता है, जिस मेट्रॉइड को स्पेस में एक कॉर्पोरेशन का स्पेसशिप आकर ले जाता है और साइंटिस्ट इस मेट्रॉइड के ऊपर रिसर्च शुरू कर देते हैं। और रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को मालूम हुआ कि इस मेट्रॉइड के अंदर एक फेस अगर था, जिसे एलियन का एग भी कहा जा सकता है, जो कि इंसान या किसी भी जानदार के अंदर जाकर एलियन को जन्म देता है। सीन कट होकर हमें रेन नामी एक लड़की से मिलवाया जाता है, जो कि किसी दूसरे प्लेनेट पर अपने भाई के साथ रहती है। उसका भाई, जिसका नाम एंडी है, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड रोबोट है, जिसे रेन के डैड ने बनाया था रेन का ख्याल रखने के लिए। मालूम होता है कि रेन अपने प्लेनेट को छोड़कर एक दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती है, क्योंकि उनके प्लेनेट से सूरज दिखाई नहीं देता था और वो सूरज को देखना चाहती थी। और जाने के लिए उन्हें चाहिए थी एक टिकट, जो इन्हें तब मिलती जब ये अपने 12,000 वर्किंग आवर्स पूरे कर लेते। रेन एंडी के साथ मिलकर अपने वर्किंग आवर्स पूरे कर लेती है और जब टिकट लेने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। पहले जो टिकट 12,000 घंटे काम करने के बाद मिलता था, अब वो टिकट 24,000 घंटे काम करने के बाद मिलना था। रेन भी सुनकर दुखी हो गई, क्योंकि वो हर सूरत दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती थी। फिर वो अब अपने दोस्त के घर जाती है, जहाँ उसका दोस्त, जिसका नाम टाइलर है, वो उसे बताता है कि उसने स्पेस में एक टूटे हुए स्पेसशिप को देखा है, जिस स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे ड्राइपोर्ट्स चैम्बर हैं, जिनके जरिए वो बहुत ही आसानी से किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं। इस तरह दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए उन्हें किसी टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इन सारे चैम्बर्स को खोलने के लिए उनको एक रोबोट की जरूरत थी। ये सब लोग मिलकर ग्रीन से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं, बस हमें तुम्हारी रोबोट एंडी की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अब क्योंकि रीन भी जानती थी कि इस प्लेनेट को छोड़ने का इससे अच्छा कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो बाकी सबकी मदद को मान जाती है। तो फिर बस ये लोग एक प्लान बनाते हैं और अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठ के स्पेस की तरफ निकल जाते हैं। स्पेस में जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि जिस स्पेस स्टेशन के पीछे ये लोग जा रहे थे उसके दो पार्ट्स थे, एक का नाम रेमस था और दूसरे का नाम रेमुलस। और सबसे बुरी बात ये थी कि रेमुलस अब तबाह होने वाला था, वो भी सिर्फ 37 मिनट के अंदर। ये सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन टाइलर सबको हौसला देता है और कहता है कि वो लोग सिर्फ 30 मिनट में ही अपना काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। ये कहने के बाद टाइलर एंटी और अपने एक और पार्टनर को लेकर रेमुलस के अंदर चला जाता है और बाकी इनके ग्रुप की तीनों लड़कियां रेमस में बैठकर उन्हें देख रही थी। एंडी रेमुलस के सिस्टम को खोल सकता था। एंडी के रेमुलस को खोलने के बाद ये लोग अंदर जाते हैं और ये देखकर वो हैरान थे कि रेमुलस का एक हिस्सा ऐसे तबाह हुआ था जैसे वो मेल्ट हो गया हो, और यहाँ पे आधा मेल्ट हुआ रोबोट भी पड़ा था। खैर अभी इन सब पे ध्यान देने का वक्त नहीं था, ये लोग आगे जाकर ड्राइपोर्ट्स को ढूंढते हैं, जो इन्हें मिल भी गए। लेकिन बुरी बात ये थी कि इनके अंदर ज्यादा फ्यूल नहीं था, इसलिए अब ये लोग स्पेस स्टेशन के अंदर फ्यूल को ढूंढने लगे। सभी ड्राइपोर्ट्स में सिर्फ 3 साल के लिए फ्यूल था और इन्हें दूसरे प्लैनेट पर जाने के लिए 9 साल के लिए फ्यूल चाहिए था। फ्यूल को ढूंढते ढूंढते ये तीनों एक ऐसे चैम्बर में आ गए जहाँ पर एलियन के एग्स यानी फेस हगर्स को फ्रीज करके रखा गया था। ये फेस हगर्स इंसानों के मुंह के साथ चिपक जाते थे और फिर इंसानों के जरिए एलियंस पैदा होते थे। ये देखकर ये सब लोग डर जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस ये अब इस चैम्बर का दरवाजा बंद हो चुका है। और इससे भी बड़ी मुसीबत की कि इस चैम्बर का टेम्परेचर वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। एंडी इस दरवाजे को इसलिए खोल नहीं पा रहा क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, साथ ही उसके पास इस स्पेस स्टेशन के सिक्योरिटी कोड्स भी नहीं है। ये सब कुछ इनकी बाकी तीनों पार्टनर भी रेमस ने इन्हीं स्पेसशिप के दूसरे पार्ट में बैठकर देख रही थी। इनको मुसीबत में देखकर वो इनकी मदद के लिए रेमुलस के अंदर आ जाती है। यहाँ आकर उनका भी सामना सबसे पहले उस आधे मेल्ट हुए रोबोट से होता है। इसे देखकर रेन को एक आइडिया आया, क्योंकि ये इसी स्पेसशिप का रोबोट था, इसीलिए उसके पास इस स्पेस स्टेशन के सिक्योरिटी कोड्स हो सकते थे। और अगर इस रोबोट की चिप एंडी के अंदर डाल दी जाती तो वो भी इस काबिल हो जाता कि इस पूरी स्पेसशिप के सिस्टम को कंट्रोल कर पाए, इसीलिए वो इस रोबोट की चिप को निकाल कर अब उस चैम्बर के पास पहुँचती है जिसके अंदर वो तीनों पार्टनर्स फंसे हुए थे। दरवाजे में बने हुए एक होल से वो ये चिप एंडी को पकड़ाती है। एंडी ये चिप अपने अंदर लगा लेता है और फौरन ही रीबूट होना शुरू हो जाता है। जितनी देर में एंडी का सिस्टम अपडेट हो रहा था, इतनी देर में इस चैम्बर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब फेस अगर्स भी मेल्ट होने लगे थे, जिन्हें पहले यहाँ पर फ्रीज करके रखा गया था। बर्फ के मेल्ट होते ही फेस हगर्स आजाद हो जाते हैं।
सिस्टम अपडेट होते ही एंडी ये चैम्बर खोल लेता है और ये लोग जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। और इससे पहले कि ये लोग इस चैम्बर को दोबारा बंद कर देते हैं, उस चैम्बर में से एक फेस अगर जंप करके इनकी एक साथी के ऊपर हमला कर चुका था। उसने पूरी तरह इनके साथी के फेस को कवर कर लिया था, जिससे जान छुड़वाने के लिए रिंग को यहाँ एक आइडिया था। यहाँ एक फ्रीजिंग गन से इस फेस अगर की टेल को फ्रीज कर देती है, जिसके बाद फाइनली ये लोग उसके मुंह से इस फेस अगर को निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं हो पाया कि उस फेस अगर ने इस लड़की के मुंह में कुछ इंजेक्ट कर दिया था। अभी ये लोग इसी मुसीबत से निकले ही थे कि एकदम से स्पेस स्टेशन के दोनों हिस्सों के दरमियान वाला चैम्बर बंद हो गया। और ऐसे ये लोग दो टीम्स में बटकर रह गए। एक टीम में थे रीन, एंडी और टाइलर, जबकि बाकी सब लोग दूसरी टीम में थे। रीन यहाँ नोटिस करती है कि एंडी नई चिप के डलने की वजह से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, वो ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, बोल पा रहा है। दूसरी तरफ वो लड़की जिसके ऊपर फेस हगर ने हमला कर दिया था, उसके पेट में दर्द होने लगा था, वो यहाँ पर एक एक्सरे डिवाइस इस्तेमाल करती है अपने पेट के अंदर देखने के लिए। तो उसे मालूम होता है कि उसके पेट में एक एलियन है, जो एकदम से उसका पेट फाड़ कर बाहर भी निकल आया। और उसके बाहर आते ही इस लड़की की मौत भी हो गई। ये सब कुछ रेड, टायलर और एंडी भी देख रहे थे। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, दूसरे लोगों के पास एक फ्यूल टैंक भी ब्लास्ट हो गया, जिससे रोमस यानी स्पेस स्टेशन की उस हिस्से में आग लग गई। यानी अब टाइलर और रीन के उन दोनों साथियों की जान खतरे में थी, जिन्हें ये लोग बचाने का फैसला करते हैं। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। इन्हें बचाने के लिए इन तीनों को उस चैम्बर से भी गुजर कर जाना था जिसमें फेस अगर्स थे। यानी ऐसे इनकी अपनी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन ये लोग हाथ बांध कर भी नहीं बैठ सकते थे। ये लोग कुछ सोचने के बाद एक प्लान बनाते हैं। रीन ये बात जानती थी कि ये फेस अगर्स इंसानों की बॉडी टेम्परेचर और शोर की वजह से उन्हें डिटेक्ट कर पाते हैं। ये लोग वैसल भी देख या पहचान नहीं सकते, सो इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि ये लोग चैम्बर का टेम्परेचर इंसानों के टेम्परेचर के मुताबिक कर देंगे, जिससे इंसानों का अंदर होना इन्हें पता नहीं चलेगा और बिना शोर किए ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। और इसी प्लान के मुताबिक ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ रोमस में उन दोनों बहन भाइयों को दिखाया जाता है, वो लोग आग से अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी उस लड़की का सामना हुआ एक एलियन से। ये वही एलियन था जो मरने वाली लड़की के पेट से निकला था, और कुछ ही देर में वो इतना बड़ा हो चुका था। इससे पहले कि वो उस लड़की को डिटेक्ट करके उसे मार देता, एक तब से उस लड़की के पीछे उसका भाई आ जाता है और उसके मुंह पे हाथ रख देता है, ताकि लड़की कुछ शोर न करे। और फिर उसका भाई अपने एक वेपन को एलियन के पेट में घुसा देता है। इसका मतलब था कि एलियन अब मर गया, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। यहाँ एलियन ने इन्हें मैनिपुलेट करने के लिए सिर्फ मरने की एक्टिंग की थी, वो भी जिंदा था। और अपना बदला लेने के लिए वो इस लड़के के ऊपर अपना बहुत सारा एसिड गिरा देता है, जिससे ये लड़का अपनी बहन की आंखों के सामने ही जल कर मर गया। देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए वो चैम्बर के डोर की तरफ भागती है, लेकिन चैम्बर का दरवाजा बंद था। मूव में उसने चैम्बर का दरवाजा खड़काना शुरू कर दिया, ये बात जाने बगैर कि ये एलियन शोर से ही अट्रैक्ट होते थे। उसकी आवाज़ सुनकर एलियन भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरे चैम्बर में मौजूद टाइलर और रेन भी उसकी आवाज़ें सुन पा रहे थे। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर टाइलर भी बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो गया और चलते हुए उससे शोर हो गया। ऐसे बहुत से फेस अगर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। इन सबकी जान खतरे में थी, लेकिन यहाँ पर एंडी इन दोनों की मदद करता है और इन दोनों को ही वक्त रहते उस चैम्बर से बाहर निकाल कर फेस हगर से बचा लेता है। फाइनली अब ये लोग दूसरे चैम्बर में आ गए थे, जहाँ ये लोग सेफ थे। इस चैम्बर का दरवाजा स्पेसशिप के दूसरे हिस्से के साथ भी मिल रहा था, जहाँ पर वो दूसरी लड़की मुश्किल में थी। उसके पीछे एलियन बड़ा हुआ था। वो लड़की जोर जोर से इनके चैम्बर का दरवाजा खड़काती है, लेकिन एंडी ये दरवाजा नहीं खोलता। किन्हीं एंडी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि अब उसका मकसद इंसानों की हिफाजत करना नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर की चिप रिंग ने स्पेस स्टेशन के रोबोट की चिप के साथ बदल दी थी। इसीलिए अब उसका असल मकसद था इस स्पेसशिप को बचाना। और क्योंकि स्पेस स्टेशन के दूसरे हिस्से में एलियन था, इसीलिए उसने ये दरवाजा नहीं खोला कि कहीं एलियन स्पेसशिप के इस हिस्से में भी आकर तबाही न मचा दे। रेन एंडी को कहती रह जाती है दरवाजा खोलो, वो खतरे में है, लेकिन एंडी उसकी एक बात नहीं सुनता। और सामने दूसरे चैम्बर के अंदर इनकी आंखों के सामने ही एलियन उस लड़की पे हमला करके खत्म कर देता है। उसकी मौत रेन को पागल कर चुकी थी। उस समय वो एंडी के मुंह पे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो, संदिल हो गए हो। खैर एंडी खुद ज्यादा नहीं करता,
और रेन और दूसरे साथी को लेकर इसी स्पेस स्टेशन में मौजूद एक लैब में आता है, जहाँ साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा लिक्विड बनाया था जिसकी मदद से किसी भी इंसान की किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता था। यहाँ तक कि वो इंसान जो बिल्कुल मरने के करीब था उसको भी जिंदगी दी जा सकती थी। रेन यहाँ पर एक वीडियो भी देखती है जिसमें उनकी इस लिक्विड का एक डेमो दिया गया था। एक बीमार माउस यानी एक बीमार चूहे के अंदर जैसे ही इस लिक्विड को इंजेक्ट किया गया तो एक ही सेकेंड में वो दोबारा पहले जैसा सेहतमंद हो गया और चलने लगा। वी लैब में इन्हें कुछ ऐसे वेपन्स भी मिलते हैं जिसके जरिए एलियंस को मारा जा सकता था। इन्हीं वेपन्स को लेकर ये लोग इस लैब से बाहर आ जाते हैं और लैब के अंदर दोबारा मॉनिटर स्क्रीन पर हमें उसी चूहे को दिखाया जाता है जो पहले बिल्कुल ठीक हो गया था। एकदम से उसकी बॉडी फट गई, जिसका मतलब था कि वो लिक्विड पूरी तरह सेफ नहीं, उसका एक बहुत बुरा साइड इफेक्ट भी है। वेपन्स ली गई, ये लोग भी स्पेसशिप के ऐसे हिस्से में पहुंचे थे जो हिस्सा बिल्कुल किसी केव की तरह लग रहा था। असल में ये केव नहीं था, ये भी एक चैम्बर ही था जिसके दीवारों के चारों तरफ बड़े बड़े एलियंस सो रहे थे। इनसे बचने के लिए ये लोग खामोशी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक टाइलर को अपनी साथी की आवाज आई, उसी साथी की जिस पर एलियन ने हमला करके उसे मारा था। असल में वो अभी पूरी तरह मरी नहीं थी और एलियन उसे उठाकर यहाँ ले आया था। ये लोग उसकी मदद करने के लिए वापस पीछे जाते हैं और किसी तरह उसे एलियन से छुड़वा लेते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो किसी भी वक्त मर सकती थी, इसीलिए यहाँ टाइलर इस लड़की को लैब से उठाई हुई मेडिसिन को इस्तेमाल करने को कहता है। इनकी बातों के शोर से यहाँ पर एलियंस अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनमें से एक एलियन टाइलर और एंडी के ऊपर हमला भी कर देता है। ये देखते हुए तेजी से रीन अपनी दूसरे साथी को एक एलिवेटर में छोड़ देती है और फिर एंडी को बचाने के लिए जाती है, क्योंकि एलियन के हमले की वजह से टाइलर तो अब मर चुका था। रीन एंडी को पकड़ के उसके सर से वो चिप उतार देती है जो इस स्पेसशिप के रोबोट की उसने एंडी के अंदर डाली थी। ये चिप निकलते ही एंडी बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अभी उसने ये किया ही था कि इतने में बहुत से एलियंस ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले कि इस हमले में रेन या एंडी को कोई नुकसान होता, रेन यहाँ पर अपना दिमाग चलाते हुए इस स्पेसशिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को खत्म कर देती है और ये सब एलियंस हवा में उड़ने लग जाती है, जिसके बाद रेन अपना वेपन उठाती है और एलियंस के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। उसके इस हमले से काफी सारे एलियंस मारे जा चुके थे, लेकिन फिर बदकिस्मती से उसके हाथ से उसका वेपन छूट गया और ऐसे एक एलियन बहुत करीब आ गया उसके। वो उसे बिल्कुल मारने वाला था, लेकिन वक्त रहते ही एंडी ने उस एलियन के ऊपर हमला करके उसे मार दिया और अपनी ड्यूटी पूरी की, रेन को बचाने की ड्यूटी। दूसरी तरफ एलिवेटर के अंदर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एलियन ने हमला किया था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो टाइलर का दिया हुआ वो इंजेक्शन जो साइंटिस्ट ने लैब में तैयार किया था वो खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। इसके लगाते ही उसकी हालत काफी ठीक हो गई। इतने में ही यहाँ पर रेन और एंडी भी आ जाते हैं। अब रेमुलस इन्हीं स्पेस स्टेशन के इस हिस्से के तबाह होने में सिर्फ 7 मिनट रह गए थे। बिना वक्त ज़ाया किए रेन एंडी और उस लड़की को लेकर ड्राईपॉड्स की तरफ जाते हैं और जल्दी से उन दोनों को ड्राईपॉड्स में लिटा कर खुद भी वो ड्राईपॉड में लेटने वाली थी, लेकिन तभी उसने अपनी साथी की चीखें सुनी। उसने अपने साथी का ट्राइपॉड खोल दिया और हमें देखने को मिला कि उस लड़की के पास एक अजीब सी क्रिएचर पैदा हुई। रेन जल्दी से इसे उठाकर तबाह करने वाले थे, लेकिन तभी स्पेसशिप के अलार्म बजने लगे, जिसका मतलब था कि अब कुछ ही देर में रोमुलस यानी स्पेस स्टेशन का ये हिस्सा तबाह हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए रेन स्पेस स्टेशन के कंट्रोल पैनल तक जाती है और वहाँ कुछ चेंजेस करती है ताकि इस स्पेस के तबाह होने में थोड़ा वक्त और लग जाए, इन्हें यहाँ से बचकर जाने में थोड़ा वक्त और मिल जाए। अभी वो ये सब करके वापस से लौटी तो उसने देखा कि वो क्रिएचर जो अभी उसके साथी ने पैदा किया था यानी वो एलियन, वो बहुत बड़ा हो चुका था और उसके साथी पे ही हमला कर रहा था। रेन जल्दी से उसके ऊपर हमला करती है और फौरन खुद पीछे की तरफ जाकर एक स्पेस सूट पहन लेती है। स्पेस सूट पहनकर उसने अपने आप को स्पेसशिप के साथ बांध लिया और जैसे ही उसने देखा कि एलियन उसके ऊपर हमला करने वाला है तो उसने खुद स्पेस स्टेशन के अंदर से जंप कर दी। एलियन ने भी उसके ऊपर हमला करने के लिए स्पेस में जंप की तो वो स्पेस में ही फंस गया और क्योंकि खुद रेन ने स्पेस सूट पहन रखा था उसकी मदद से वो स्पेस स्टेशन के अंदर वापस आ गई, जिसका मतलब था कि अब रेन और एंडी ही जिंदा बच पाए थे। एंडी को उसने पहले ही ट्राईपॉड में लिटा दिया था और अब वो खुद भी ट्राईपॉड में लेट जाते हैं और फाइनली ये दोनों निकल जाते हैं एक दूसरे प्लेनेट के लिए, जिन्हें दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।